और मैं हूं आंचल आनंद। 10 बजे की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। नीतीश कुमार ने लालू यादव को इशारों इशारों में सांप कह दिया है। ट्विटर पर नीतीश ने खुद को चंदन और लालू को सांप बताया। दरअसल नीतीश ने ट्विटर पर एक दोहा लिखा। कल नीतीश ट्विटर पर लोगों के सवालों के जवाब दे रहे थे। उनसे पूछा कि अगर आप चुनाव जीत गए तो लालू के रहते बिहार का विकास कैसे करेंगे। सवाल के जवाब में नीतीश ने लिखा कि बिहार का विकास मेरा एकमात्र एजेंडा है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहे भुजंग। सवाल क्या था आपको वो भी बता दें। नीतीश जी, अगर आप लालू के साथ मिलकर जीत जाते हैं तो बिहार को विकास के रास्ते में कैसे ले जाएंगे। ये सवाल था जिसके जवाब में नीतीश ने दोहा लिखा, लेकिन दोहे में इशारों इशारों में उन्होंने लालू को सांप कह दिया। नीतीश ने लिखा कि बिहार का विकास मेरा एकमात्र एजेंडा है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहित भुजंग। आरजेडी नेता राजनीति प्रसाद इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सर, ये नीतीश जी ने ट्विटर पर क्या लिख दिया और क्या कह दिया लालू यादव को? ये बहुत गंदी बात है। इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। हाँ, महागठबंधन गठबंधन हम लोगों का है, इस तरह का जुमला नहीं पढ़ना चाहिए उनको। इससे हम लोगों के अंदर में आक्रोश होता है, कार्यकर्ताओं में आक्रोश होता है। इस तरह का बात नहीं बोलना चाहिए। और लालू यादव ने जो विकास किया है, आप सुन रहे हैं मेरी बात को? जी जी बिल्कुल ना। लालू यादव ने जो विकास किया है वो लोगों को विकास कर दिया है, लोगों के अंदर में विकास कर दिया है। ईंट पत्थर का विकास नहीं होता, पहले आदमी का विकास होता है। और लालू यादव इस देश में मार्क्स और लेनिन के बाद का आदमी है। नहीं, आपने ये तो बोला कि कार्यकर्ता बहुत ज्यादा डीमोरलाइज होंगे। राजनीति प्रसाद जी, देखिए अब देखिए, मयान में से तो तीर निकल चुका है ना, उन्होंने ये बात ट्विटर पर लिख दी है। ये बताइए कि आप लोग कीजिएगा क्या, करेंगे क्या, क्या गठबंधन तोड़ेंगे? ये तो बड़े नेतृत्व की बात है, लेकिन इस तरह की बात कोई अगर बोलता है तो बहुत दुख होता है हम लोग को। हम लोग कार्यकर्ता है उनके, हम लोग को बहुत दुख होता है। केवल लालू यादव के बारे में, उनके बारे में भी बोला गया जो कार्यकर्ता है उनका, ये गलत बात है। विकास उन्होंने किया है, विकास किया है, गठबंधन किया है, इस तरह का जुमला उनको पढ़ना नहीं चाहिए। गलत काम किया उन्होंने। अच्छा, ये बताइए कि क्या महागठबंधन इस टिप्पणी के बाद खटाई में पड़ गया है? ये कोई गठबंधन खटाई में नहीं पड़ा है और गठबंधन नहीं होगा, लेकिन हम उनको कहते हैं कि इस तरह का बयानबाजी ना करें, इससे गठबंधन पर असर पड़ेगा, कार्यकर्ताओं में असर पड़ेगा। लालू यादव के लिए लोग मरने और जीने के लिए तैयार है, कार्यकर्ता लोग इस तरह का बात सुनने के लिए हम लोग तैयार बैठे नहीं है। इस तरह का बात नहीं बोलना चाहिए उनको। अभी गठबंधन में थोड़ा वो झंझट होने वाला है, इस तरह का मत करिए आप। नहीं नहीं, एक बात बताएं हमें, नीतीश कुमार ऐसा तो है नहीं कि वो बिना सोचे समझे कुछ कह देते हैं। वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, एक परिपक्व नेता हैं। उन्होंने अगर इस तरह की बात कही है तो ये तो बहुत अजीब है, और ये दूसरी बार हो रहा है। हाल फिलहाल में याद होगा आपको किस तरह से नीतीश कुमार यहाँ पर मिलने के लिए आए, वो राहुल गांधी से मिले और एक तरह से उन्होंने लालू यादव को साइडलाइन करने की कोशिश की। अब ये दूसरी बार हो रहा है, इस तरह की जुमलेबाजी हो रही है लालू के खिलाफ। तो आपके नेता के खिलाफ नीतीश कुमार ने इतनी बड़ी टिप्पणी की है, लेकिन आप बोल रहे हैं महागठबंधन इंटैक्ट है, ये नहीं करना चाहिए था, हम दुखी हैं। दुखी होकर भी क्या कर रहे हैं आप? देखिए, दुखी हैं हम लोग, इसका मतलब ये नहीं है कि दुखी होने के लिए हम लोग बताशा के लिए मंदिर को तोड़ देंगे, ऐसा काम नहीं करेंगे हम लोग। लेकिन हम लोगों का असली मुद्दा है बीजेपी को हटाना। अभी बीच में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये बहुत ज्यादा माने नहीं रखता, लेकिन नीतीश कुमार को सोच समझ करके कोई भी बात बोलना चाहिए। आप गठबंधन में है, गठबंधन के दायित्व को निभाना चाहिए, इस तरह की बात को नहीं बोलना चाहिए। केवल उसमें एक आदमी के बारे में नहीं, उनके कार्यकर्ताओं को भी दुखी मत करिए, इससे कार्यकर्ताओं को दुखी हो जाता है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए उनको। फिर उनको सोचने के लिए हम कह रहे हैं कि सोच समझ के कोई बयान दिया कीजिए, इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए उनको। अच्छा, इस तरह का, चलिए बयान नहीं देना चाहिए, लेकिन कुछ आप बता सकते हैं कि नीतीश कुमार ने इस तरह का बयान अगर दिया होगा तो क्यों दिया होगा, इसके पीछे की क्या मानसिकता रही होगी, क्या मंशा होगी? ये तो उनका व्यक्तिगत बात है,
उनका व्यक्तिगत बात है, क्यों दिया है ये तो वो बताएंगे, हम लोग कैसे बता सकते हैं। लेकिन इतना हम जरूर कह सकते हैं कि इस तरह का बयान अगर दिया है उन्होंने तो गलत बयान दिया है, और इस तरह का बात उनको बोलना नहीं चाहिए, कभी नहीं बोलना चाहिए। ये गठबंधन में दरार की बात आ जाती है, गठबंधन में गड़बड़ी होने की बात आ जाती है, कार्यकर्ताओं में आक्रोश हो जाता है, इस तरह का बात उनको नहीं बोलना चाहिए। और जहां तक लालू यादव का सवाल है, लालू यादव विकास किया है, लोगों को दिल के अंदर में विकास किया है, लोगों के अंदर में विकास किया है, और पूरे बिहार में 15 साल में विकास को धरातल पर लाने का काम किया है। अच्छा, आप ये बताएं हमें कि ये तो एक कार्यकर्ता की भावना से आपने हमें अवगत कराया कि आपका कार्यकर्ता दुखी हुआ, आहत हुआ इस तरह की स्टेटमेंट से, इस तरह के बयान से नीतीश कुमार के। हमें आप ये बताएं कि आपकी पार्टी में उच्च स्तरीय कोई इसके ऊपर एक्शन होगा नहीं होगा, एक संदेश देने की कोशिश की जाएगी लालू यादव को, माफ कीजिएगा नीतीश कुमार को। ये विचारणीय विषय है, और हमारे लगता है कि विचारणीय विषय को जो पार्टी के आला कमान है, पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, इस पर जरूर। ठीक है, राजनीति प्रसाद जी आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ रामेश्वर चौरसिया जी, वरिष्ठ नेता बीजेपी के जुड़ रहे हैं, और ये इसलिए अहम हो जाता है कि उन्हीं का रथ रोकने के लिए तो लालू और नीतीश इकट्ठे आए थे। रामेश्वर चौरसिया जी, इशारों इशारों में सांप बुला दिया नीतीश ने लालू प्रसाद यादव को। देखिए, वो तो लालू जी पहले भी बोलती है कि नीतीश जी तो किसी की तरह हो नहीं सकते, लालू जी के साथ भी गए हैं तो अपनी सत्ता को बचाने के लिए गए हैं, और एक करवाहट दिखने में आपको आ भी रहा है कि कोई व्यक्ति उनके मदद से सत्ता चला रहा हो, सत्ता में आने की कोशिश कर रहा हो, और अपने को चंदन और उनको सांप कहे, ये कोई दूसरे का जुमला नहीं है, नीतीश जी ने खुद बोला है। और नीतीश जी उस समय कहा करते थे कि संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात, जब बीजेपी के साथ आए थे कि भाई आप क्यों आए, दूसरी जंगल राज के खिलाफ जो आए थे उनसे चलते, तो नीतीश जी को भी ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। रघुवंश बाबू ने फिर कहा कि दिल तो मिला लो, दिल तो इनका मिल नहीं रहा है, तो कार्यकर्ताओं का दिल क्यों क्या मिलेगा, ये तो दल को मिलाए हैं कि किसी तरह ये अनैतिक पूरी तरह से मौका परस्ती का गठबंधन नीतीश जी करते हैं। जब सीएम बनना था तो मंत्री बनना था बीजेपी के पास आ जाएंगे, जब सत्ता बचानी हो लालू जी के पास आ जाएंगे, अकल ठिकाना नहीं, और किसी की मदद नहीं ले सकते हैं, इनका कोई इस मामले में तब धर्म नहीं है, ये साफ दिख रहा है। तो राजनीति प्रसाद जी का भी तर्क हम समझ सकते हैं कि वो उस पार्टी के नेता है, उस पार्टी के नेता कोई बोले तो कार्यकर्ताओं में क्या असर जाएगा। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए रामेश्वर जी आपका और राजनीति प्रसाद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का। यहाँ पर राजनीति प्रसाद ने साफ तौर पर कहा कि गलत बयान है, दुख होता है, कार्यकर्ता आहत हुआ है, और नीतीश जी को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। रामेश्वर चौरसिया बीजेपी के वरिष्ठ नेता, उन्होंने कहा कि जो पूरा का पूरा महागठबंधन ही हुआ है ये कहीं ना कहीं मौका परस्ती है, और नीतीश जंगल राज के खिलाफ खुद ही लालू की आवाज उठाते थे और अब ये पचा नहीं पा रहे हैं, गठबंधन तो कर लिया है आगे।